बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सीरियल ट्रांसमिशन की दूसरी किस्म सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैंडविड्थ। तो दोस्तों, बैंडविड्थ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन सेंडर और रिसीवर, तो वह किसी न किसी मीडियम या फिर चैनल के जरिए ही ट्रांसफर होता है। वो मीडियम वाइड भी हो सकता है जैसे कि केबल्स वगैरह, और वायरलेस भी हो सकता है जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए बैंडविड्थ को देखते हैं। बैंडविड्थ, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि बैंड रिप्रेजेंट करता है किसी भी चैनल को, किसी भी मीडियम को, और विड्थ माने होते हैं चौड़ाई के। तो बैंडविड्थ के मायने हुए किसी भी चैनल की चौड़ाई। अब डियर फ्रेंड्स, अगर वो चैनल वाइड है जैसे कि कोई केबल है, तो केबल की चौड़ाई को तो नापा जा सकता है। लेकिन अगर वो चैनल वायरलेस है जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, तो वेव्स की बैंडविड्थ यानी वेव्स की चौड़ाई को तो हम निकाल नहीं सकते। तो उसकी बैंडविड्थ को हम कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, वेव्स को तो हम नहीं नाप सकते, लेकिन वेव्स पर जो डाटा ट्रेवल कर रहा है उसको तो नापा जा सकता है। तो उसके लिए जो बैंडविड्थ की डेफिनेशन यूज की जाती है वो है, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन अ यूनिट टाइम, और वो यूनिट टाइम है 1 सेकंड, यानी कितना डाटा 1 सेकंड में किसी चैनल पर से गुजर रहा है उसको कहा जाता है उस चैनल की बैंडविड्थ। फॉर एग्जाम्पल, ये दो रोड्स हैं और एक रोड से एक वक्त में 5 गाड़ियां गुजर सकती हैं और दूसरे रोड से एक वक्त में सिर्फ 3 गाड़ियां ही गुजर सकती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उन गाड़ियों की तादाद से आप बआसानी उस रोड की विड्थ यानी चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जितना चौड़ा रोड होगा उतनी ही ज्यादा गाड़ियां उस रोड से गुजर सकेंगी। बिल्कुल ऐसे ही वो गाड़ियां हैं आपका डाटा और रोड है उसकी बैंडविड्थ। तो डियर फ्रेंड्स, जितनी ज्यादा डाटा एक चैनल पर एक वक्त में मौजूद होगा उतनी ही उसकी बैंडविड्थ होगी। इसीलिए आप देख सकते हैं, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। और यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट मींस अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर इन 1 सेकंड। तो किसी भी चैनल पर 1 सेकंड में जितना डाटा ट्रांसफर होगा उसको नापा जाता है इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। दोस्तों, अगर दो कंप्यूटर्स हैं और वो डाटा को आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स 1 और 0s यानी बिट्स को समझते हैं। तो उनके दरमियान जब डाटा ट्रांसफर होगा तो वो भी बिट्स की शक्ल में ही होगा, यानी डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर होगा। और डिजिटल सिग्नल्स की बैंडविड्थ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है BPS, यानी बिट्स पर सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में जितनी बिट्स एक चैनल से ट्रांसफर होंगी। तो ये देखें, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया हैज डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड, दैट इज डिफरेंट बैंडविड्थ। दोस्तों, बैंडविड्थ के जरिए ना सिर्फ अमाउंट ऑफ डाटा का वो अमाउंट ऑफ डाटा के जरिए ना सिर्फ अमाउंट ऑफ डाटा को नापा जा सकता है, बल्कि उसकी स्पीड का भी तायुन किया जा सकता है। अगर एक केबल की चौड़ाई ज्यादा है, मीन्स उसमें जगह भी ज्यादा है, तो डाटा तेजी से बआसानी वहां से गुजर जाएगा। लेकिन अगर एक केबल की चौड़ाई कम है और डाटा की तादाद ज्यादा है उस केबल के मुकाबले में, तो डाटा मुश्किल से वहां से गुजर पाएगा, जिसकी वजह से उसे वक्त भी ज्यादा लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो डाटा की स्पीड भी ज्यादा होगी, और बैंडविड्थ कम होगी तो उसका असर डाटा ट्रांसफर स्पीड पर भी पड़ेगा। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स की, जो कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर के अलावा अगर हम किसी टेलीफोनिक केबल पर अपनी आवाज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो तो एक एनालॉग सिग्नल है। तो एनालॉग सिग्नल की शक्ल में हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, और एनालॉग सिग्नल्स में बिट्स का तो कोई काम नहीं होता, वहां तो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ बीपीएस तो नहीं हो सकती फिर। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एनालॉग सिग्नल
फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है तो यहाँ जो बैंडविड्थ होगी वो भी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही होगी. तो ये देखें, इन एनालॉग सिग्नल द बैंडविड्थ इज इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. तो दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज से क्या मुराद है. तो डियर फ्रेंड्स, रेंज किसी भी चीज की रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी उस रेंज की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको उसकी लोएस्ट वैल्यू से माइनस कर दिया जाता है. तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से माइनस कराया जाएगा सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को. तो इस तरीके से आप उन फ्रीक्वेंसीज की रेंज निकाल सकते हैं. और एनालॉग सिग्नल में फ्रीक्वेंसीज की कोई एक वैल्यू नहीं होती बल्कि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी आवाज एक एनालॉग सिग्नल है और अगर आप बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, तो जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे यानी आप बोलेंगे कंप्यूटर, तो आपकी आवाज स्लो होगी, उस वक्त आपकी आवाज की कोई और फ्रीक्वेंसी होगी. और इसी तरीके से जब आप पूरा वर्ड बोलेंगे तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर मुश्तमिल होगा. और जैसे ही आप अपने वर्ड को एंड करेंगे, आप बोलेंगे साइंस, तो आपकी आवाज आखिर में लाउड होगी और जिसकी कोई और फ्रीक्वेंसी होगी. आप ये समझ लें कि इन स्टार्ट आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज क्योंकि आपकी आवाज स्लो थी, और इन द एंड आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी होगी 9 हर्ट्ज. लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल्स में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो दोस्तों इसके बीच में भी कई और फ्रीक्वेंसीज मौजूद होंगी. तो ये जो तमाम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये कहलाएंगी बैंड. और जब हम इस बैंड की रेंज निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी 9 - 3, तो इसकी रेंज निकलेगी 6. और एनालॉग सिग्नल्स में रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को नाम दिया जाता है बैंडविड्थ का, तो आपकी आवाज की बैंडविड्थ होगी 6 width. मींस अब आपकी आवाज को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए ये जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी वो होगी 6 hertz. दोस्तों ये बैंडविड्थ का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक चैनल है जिसकी बैंडविड्थ है 4 hertz. अब हमें उस चैनल से आपकी आवाज को भेजना है और 4 hertz बैंडविड्थ का मतलब है कि उसमें जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी वो स्टार्ट होंगी 3 से और एंड होंगी 7 पर. अब आपकी आवाज की जो मैंने फ्रीक्वेंसी पहले निकाली थी यानी कंप्यूटर साइंस की, वो थी 6, लेकिन यहाँ पर चैनल की बैंडविड्थ है 4. तो जब हम आपकी आवाज को इस चैनल से गुजारेंगे तो जो 3 से लेकर 7 तक का पार्ट होगा यानी जो फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में आई होंगी वो तो उस चैनल से गुजर जाएंगी, लेकिन जो 7 से लेकर 9 तक के पार्ट में आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो चैनल उसको कट कर देगा यानी वो रिसीवर तक नहीं पहुंचेंगी. इसीलिए किसी भी चैनल को बनाते वक्त उसकी सही बैंडविड्थ को रखना बहुत जरूरी होता है. तो दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंडविड्थ, या फिर बैंडविड्थ के अंदर मौजूद बैंड्स की 2 टाइप्स होती हैं. 2 कॉमन टाइप्स होती हैं, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड. सबसे पहले है बेसबैंड. डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेसबैंड सिग्नल्स. दोस्तों, बेसबैंड एक ऐसी टाइप होती है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को ही कैरी कर सकती है, यानी ऐसे सिग्नल्स को जो सिर्फ 1 और 0s पर ही मुश्तमिल हो. इसीलिए आमतौर पर बेसबैंड सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स भी कहा जाता है. बेसबैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन टू द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन. यानी एक ऐसा तरीकेकार होता है कम्युनिकेशन का जिसमें जब सिग्नल को चैनल पर डाला जाता है तो किसी किस्म की कोई मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं करवाई जाती. और मॉड्यूलेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए सिग्नल को ऐसी फॉर्म में तब्दील किया जाता है जिसको चैनल कैरी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिटल सिग्नल है जो कि 1 और 0s की फॉर्म में है और जिस चैनल के जरिए हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो वो चैनल सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ही लेकर जा सकता है. तो ऐसे में हमें उस सिग्नल को उस फॉर्म में तब्दील करना पड़ेगा जो कि चैनल कैरी कर सकता है यानी एनालॉग फॉर्म में.
तो ये प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन, जिसमें हमें सिग्नल की फॉर्म को तब्दील करके चैनल पर डालना होता है। लेकिन यहाँ यानी बेसबैंड में मॉड्यूलेशन नहीं की जाती, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डाटा है वो भी डिजिटल डाटा है, और जो वेव उस डाटा को लेकर जा रही है वो भी सिर्फ डिजिटल डाटा को ही लेकर जा सकती है। यानी बिफोर द ट्रांसमिशन भी डिजिटल डाटा है, और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी जो डाटा ट्रांसफर होगा वो भी डिजिटल फॉर्म में ही होगा। तो इसीलिए इसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसीलिए वी कैन से इट डज नॉट रिक्वायर्ड द कॉम्प्लेक्स मोडेम्स। तो दोस्तों इसमें मॉड्यूलेशन नहीं की जाती, क्योंकि मॉड्यूलेशन परफॉर्म करवाई जाती है एक डिवाइस के जरिए जो के है मोडेम। तो क्योंकि नो मॉड्यूलेशन मींस नो मॉडेम इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों बेसबैंड सिग्नल का एक और करैक्टरिस्टिक्स है, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। यानी इसमें आप एक वक्त में सिर्फ एक ही सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक चैनल है, अगर मैं एक चैनल यूज कर रही हूँ तो कोई और उस चैनल पर अपना डाटा नहीं डाल सकता, उसे वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा डाटा पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाता। यानी आप देख सकते हैं कि अगर ये तीन डाटा को हमें बेसबैंड सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर करना है, तो पहले जो डाटा है पहले वो ट्रांसफर होगा, यानी डाटा सिग्नल ट्रांसफर होगा, फिर जब वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा फिर वॉइस, और फिर उसके बाद वीडियो सिग्नल ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से बेसबैंड के अंदर एक वक्त में कोई एक ही सिग्नल ट्रांसफर हो सकता है और बाकी सिग्नल को वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये टेक्निक हमने ईथरनेट और टोकिंग रिंग में भी देखी थी, जिसमें एक वक्त में कोई एक ही डाटा को ट्रांसफर कर सकता था। सो वी कैन से कि टिपिकल टोकिंग रिंग एंड ईथरनेट यूज बेसबैंड सिग्नल। यानी ईथरनेट भी बेसबैंड सिग्नल्स को यूज करते हुए ही डाटा को ट्रांसफर करते हैं। और दोस्तों ये देखें, इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली कपल्स ऑफ माइल्स। दोस्तों ईथरनेट टेक्निक्स हमें लैंड नेटवर्क में पढ़ी थी, और लैंड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है। तो बेसबैंड सिग्नल भी आमतौर पर वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां कम डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर करना हो, मीन्स सिर्फ कुछ माइल्स में जब एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो उसके लिए बेसबैंड सिग्नल यूज होगा। इसके बाद जो अगली टाइप है वो है ब्रॉडबैंड सिग्नल। ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वॉइस एंड वीडियोस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए बड़ी तादाद में अलग अलग टाइप के डाटा, जैसे कि वॉइस, वीडियोस, ऑडियोस, टेक्सचुअल डाटा को एक साथ भेजा जा सकता है। जबकि बेसबैंड में हमने देखा था कि हम सिर्फ एक डाटा को एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा डाटा यानी एक से ज्यादा सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है जिसमें अलग अलग कई गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं, यानी तमाम गाड़ियां एक ही रोड को शेयर कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही ब्रॉडबैंड के अंदर डिफरेंट सिग्नल्स कैन शेयर सेम मीडियम, यानी तमाम सिग्नल्स एक ही मीडियम एक ही चैनल को शेयर कर रहे होते हैं, एक ही चैनल से ट्रांसफर हो रहे होते हैं और एक साथ ट्रांसफर हो रहे होते हैं, और इसमें तमाम सिग्नल्स को मॉड्यूलेट किया जाता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिजिटल डाटा है, या फिर आप ये समझ लें कि ये एक डिजिटल वॉइस है। तो अगर हमें इन्हें एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है थ्रू द ब्रॉडबैंड, तो हमें पहले इन पर मॉड्यूलेशन करनी होगी, यानी एनालॉग सिग्नल में तब्दील करना होगा, तभी ये ब्रॉडबैंड सिग्नल के जरिए ट्रांसफर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक ही चैनल पर वॉइस, वीडियो और अलग अलग टाइप के डाटा को ट्रांसफर करवाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हर एक डाटा को एक अलग फ्रिक्वेंसी दी जाती है, और ये काम करवाया जाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के जरिए। ये ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल ये टेक्सचुअल डाटा है, ये वॉइस डाटा है, और ये वीडियो डाटा है। तो तीनों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी और एक वक्त में एक साथ सेंड कर दिया। तो ये सिर्फ ब्रॉडबैंड सिग्नल के जरिए ही कर सकते हैं। इसीलिए आमतौर पर इंटरनेट ब्रॉडबैंड सिग्नल्स को यूज करते हैं फॉर डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि इंटरनेट में हम एक साथ
कुछ डाउनलोड भी करते हैं, सॉन्ग्स भी सुनते हैं, कोई ईमेल भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, और हम इंटरनेट को पूरी दुनिया में यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ब्रॉडबैंड सिग्नल्स के थ्रू ही है। तो दोस्तों वी कैन से इट कैन ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड द स्पीड ऑफ द ब्रॉडबैंड सिग्नल्स इज वेरी हाई। दोस्तों आमतौर पर टीवी, रेडियोस और इंटरनेट में हम ब्रॉडबैंड सिग्नल्स को ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी ना सिर्फ स्पीड तेज होती है बल्कि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी ये डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेसबैंड और ब्रॉडबैंड सिग्नल। इन दोनों बैंड्स के अलावा भी कई और बैंड्स मौजूद हैं, लेकिन वो इनकी तरह बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो उनमें जो अगला बैंड है वो है नैरो बैंड। दिस मीडिया कम्युनिकेट डाटा विद रिलेटिवली स्लो स्पीड दैट इज टेलीग्राफ लाइन। दोस्तों जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये जो बैंड है ये बहुत नैरो होते हैं, पतले होते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि जो चीज पतली होगी वहां से डाटा भी कम ही ट्रांसफर हो सकता है, तो इसीलिए इनके जरिए जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बहुत आहिस्ता स्पीड से ट्रांसफर होता है और इसको टेलीग्राफ लाइंस में यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगली बैंड है, जो अगली बैंड की टाइप है वो है वॉइस बैंड। दिस मीडिया इज फास्टर देन नैरो बैंड। दोस्तों वॉइस बैंड नैरो बैंड की निस्बत तेज स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, और जो टेलीफोन लाइंस के जरिए डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो आमतौर पर वॉइस बैंड सिग्नल ही होता है। मोस्ट टेलीफोन लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू कैरी माइक्रो कंप्यूटर ट्रांसमिशन आर वॉइस बैंड्स। यानी टेलीफोन लाइंस जो कि ट्रांसमिशन कर रही होती हैं वो दरअसल वॉइस बैंड सिग्नल्स के थ्रू ही करती हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये थी बैंडविड्थ और उसके बैंड्स की टाइप्स। अगले लेक्चर में हम डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया की डिटेल्स देखेंगे।